हेलो एंड वेलकम टू माय फन वर्ल्ड। मैं हूं चंदना और आज हम बात करने वाले हैं कैमलिन की वाटर कलर केक्स के बारे में हैं। मेरे पास ये कैमलिन की दो आर्टिस्ट वाटर कलर केक हैं, एक 18 शेड में और एक 24 शेड में। ये दोनों ही ऐसे कार्डबोर्ड के पैकेट में आते हैं और उसके अंदर ये टीन का बॉक्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो 18 कलर का शेड है, शेड बॉक्स है, वो मुझे आया था 225 रुपीज़ में। इसका पीछे इसके प्राइस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो 24 कलर की शेड की बॉक्स है वो आया था 300 रुपीज़ में। तो 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा अगर आप पे कर सकते हैं तो आपको 6 कलर्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। इसके अंदर ये एक पेपर रहता है जिसमें सारे कलर्स और नंबर्स लिखे रहते हैं, आप उसको उसके ऊपर रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी कलर की नेम क्या है। इसके अंदर ये ब्रश भी फ्री में आता है। ब्रश की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फ्री का ब्रश है। तो बेसिकली हम जो देख रहे हैं कि इसमें कलर कैसे, और 24 कलर शेड के अंदर 12 का पैनल दे रखा है, ये गैप दे रखा है जहाँ पे हम कलर मिक्स भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी। चलो इसकी पहले स्वेचेस देख लेते हैं। तो मैंने इसके स्वेचेस के लिए ये मार्कर से दो लाइन लगाई है इसकी ओपेसिटी चेक करने के लिए। तो चलिए इसके क्विक स्वेचेस देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये स्वेचेस डीप में कैसे दिखता है और लाइट में कैसे दिखता है, इसके लिए पहले उसको डीप किया है, उसके बाद थोड़ा वाटर एक्स्ट्रा ऐड करके उसको लाइट भी किया है। तो चलिए देखते हैं। ये जो वाइट कलर है उसके नीचे की जो लाइन है वो ऑलमोस्ट नहीं दिख रही है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कलर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मुझे ये अच्छा लगा। अगर जो बिगनर्स हैं, जो वाटर कलर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कलर, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप अगर 300 खर्च कर सकते हैं, मतलब अगर आप 18 शेड का आपको लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अगर 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको 24 शेड, 6 शेड एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि बहुत अच्छे शेड्स हैं। जो 18 शेड वाले में नहीं है 6 कलर्स, वो सारे हैं इंडिगो, कैरामाइन, रोशियाना, वायलेट, हुकर्स ग्रीन और इंडियन येलो। ये सारे जो 6 कलर्स हैं वो 18 शेड में नहीं है, ये आपको 24 शेड वाले में मिल जाएंगे। एक्चुअली जो 18 शेड में है उसमें वो जो कैरामाइन है वो थोड़ा पिंकिश इफेक्ट देता है, वो चीज़ नहीं है। पिंक कलर के ऊपर हमारा ज़्यादा लगाव होता है, तो वही है कि आपको ये सारे एक्स्ट्रा कलर्स, वायलेट कलर, मतलब सारे अच्छे प्यारे प्यारे कलर, जो 6 एक्स्ट्रा कलर्स हैं वो बहुत अच्छे कलर्स हैं, आप ले सकते हैं। पर ये आपके ऊपर है, आप कितना खर्च करना चाहते हैं। दोनों सेम ही हैं, दोनों तो आर्टिस्ट कलर ही हैं, मतलब कलर की क्वालिटी दोनों में ही सेम है, बस नंबर ऑफ शेड्स थोड़ा इसमें ज़्यादा है। तो आप देख ही सकते हैं, मैं इसमें सारे में कलर की नाम साइड में लिख दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी बाइंग लिंक भी दे दूंगी। आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको लिंक में जाके बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ये 24 शेड में सबसे अच्छा मुझे लगा वो बीच में जो गैप दे रखा है जिसमें हम कलर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो उसके साइड में जो, मतलब उसकी कवर में जो है वो भी वाइट कलर से पेंट किया रखा है, तो उसको भी हम पैलेट के हिसाब से यूज़ कर ही सकते हैं। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ऊपर का वो पेपर है वो एक तो खो भी जाता है और उससे हम कलर एग्जैक्टली क्या आता है वो समझ में नहीं आएगा सिर्फ ये पैनल्स को देख के। तो इसके लिए आप एक शेड कार्ड बना के अपनी कलर बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो एक पेपर उस साइज का कट कर लीजिए और ये जो सारे स्वेचेस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप छोटे छोटे बॉक्स करके स्वच करके उसके नाम लिख के नीचे
अपने बॉक्स में रख लीजिए, सो दैट आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सा कलर कैसा पेपर में आने के बाद वो कैसा दिखता है, जो कि हमको काम करते वक्त बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे देखिए जो व्हाइट कलर है, येलो कलर है, जो लाइट कलर से वो उभर के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ओपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्लियरली वो विजिबल है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। मैं ये सारे स्वेचेस इसी के ब्रश से कर रही हूँ। वैसे तो ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इसका, पर स्वेचेस के लिए सही है। वैसे भी आप जब वाटर कलर करेंगे तो एक ब्रश से काम नहीं चलेगा, तो आपको वैसे भी काफ़ी सारे ब्रशेस खरीदने ही पड़ेंगे, पर अल्टीमेटली काउंट में ये आता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। एक बार आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद आप अपनी जो इक्विपमेंट है वो हायर ग्रेड का ले ही सकते हैं। देखिए सारे कलर्स कैसे अच्छे से उभर के आए हैं, सारे कलर्स जो उसकी इंटेंसिटी है बहुत अच्छा है। तो जो बिगनर्स हैं, जो बहुत हायर रेंज में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। अभी देखते हैं ये मिक्स कैसे होते हैं। तो मैं ये दो कलर जो है क्रिम्सन को और लेमन येलो को मिक्स कर रही हूँ। मैं सिर्फ वाटर देके ये दोनों को मिक्स कर लिया, तो देखिए कितने अच्छे से वो दोनों मिक्स हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट कलर ग्रीन को और वही लेमन येलो को मिक्स करके देखते हैं। तो इसमें भी वो मिक्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं, आपको इस मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एक कुछ बना के देख लेते हैं, सारे कलर्स यूज़ करके। सारे कलर्स नहीं, कुछ ही कलर यूज़ कर रहे हैं बस ये देखने के लिए कि वो एक दूसरे के ऊपर कैसे दिखते हैं। तो देखिए इसमें काम करना काफ़ी इजी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ऐसे वाटर कलर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। जो लोग नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस ड्राइंग के ऊपर, कलर के ऊपर देखना अच्छा लगता है, तो नए नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो नए वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।